नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। हर तरफ प्रदर्शन, दंगा, पत्थरबाजी हो रही है। कुछ लोगों की जान भी चली गई, लेकिन इन सब का असर ना तो हमारे देश की राजनीति पर पड़ा और ना ही राजनेताओं पर। मुसीबतों का पहाड़ मानो आम जनता के लिए ही खड़ा किया गया हो। एक तो पहले ही जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही थी, उस पर ये नए कानून की मार और भी झेलनी पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार धीमी होती चली जा रही है। यही नहीं, यूपी, बंगाल, हरियाणा, बिहार, असम जैसे कई राज्य इस कानून की आग में जल रहे हैं। जिस कानून की वजह से हमारे देश की गति धीमी हो रही है, उस कानून के बारे में शायद ही आम पब्लिक पूरी तरह से जानती होगी। इन हालातों को देखकर सिर्फ यही लग रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों को कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। कुछ लोगों के सियासी खेल ने मानो पूरे देश को अपना मोहरा बना रखा है। वो कहते हैं ना, तू नाच मेरे इशारों पर, कि इस खेल का मजा कुछ और ही है। अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां सिर्फ दंगों और प्रदर्शन आगजनी से भरी पड़ी है। आखिर जिस कानून को लेकर इतना बवाल हो रहा है, सरकार उस पर शांत क्यों है? क्या हमारे देश की जनता की अमन शांति इस कानून से ऊपर है? वह रे राजनीति, जिस जनता ने तुझे सत्ता पर बिठाया, वही आज इन राजनेताओं की भेंट चढ़ रही है। खुश तो थे कि राह अब आसान होगी, तू बैठ और देख, ना जाने और कितनी शतरंज की चाल होगी। एवी स्टार न्यूज के लिए कल्पना सिंह की रिपोर्ट।